हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनलॉक आर्ट फूड एंड ट्रैवल। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आज के वीडियो में हम स्टीम गुजिया बनाने वाले हैं, तो चलो फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम 2 कप फ्रेश कोकोनट को ऐड करेंगे। अब हम इसमें 2 कप जैगरी ऐड करेंगे। स्टीम गुजिया या करंजी एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। इसको कोकन में काफ़ी पसंद किया जाता है और ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। और 2 चम्मच हम इसमें घी को ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच खसखस को ऐड करेंगे। और हम इसमें 1/2 चम्मच जायफल और इलायची पाउडर को ऐड करेंगे। जैगरी पूरी तरह से मेल्ट होने के बाद हम गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर देंगे। अब एक बर्तन में हम इस तरह पानी को बॉईल करने के लिए रख देंगे। पानी जब बॉईल हो जाए तब हम इसमें चावल के आटे को ऐड करेंगे। इस तरह से हम आटे को पानी में मिक्स कर देंगे। आटा पानी में अच्छे से मिक्स होने के बाद हम उसको एक परात में निकाल लेंगे। आटा हल्का ठंडा होने के बाद हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे। अब आटे की एक लोई लेकर हम हाथों से ही उसको एक कटोरी का शेप दे देंगे। हाथों पे हम थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा सकते हैं ताकि आटा हाथों पर चिपके ना। अब हम इसमें गुड़ और नारियल का जो मिक्सर है इस तरह से उसको ऐड करेंगे। आटे को साइड्स में पानी लगाकर हम उसको फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे। अब हम इस तरह से करंजी को डिज़ाइन करेंगे। इसे बनाने का और एक आसान तरीका है। हम इस तरह से सूखे आटे को स्प्रेड करेंगे और आटे की एक लोई लेकर उसको बेल लेंगे।
और इसमें भी मिक्सर को ऐड करके हम इसी तरह दूसरी करंजी भी बना लेंगे। हल्का सा इसको भी साइड्स में पानी लगाकर हम उसको फोल्ड करेंगे। और इस तरह से हम एक्स्ट्रा साइड्स को कट कर लेंगे। अब एक बर्तन में हमने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल होने के बाद हम उसमें एक छलनी रखेंगे और जो करंजी या गुजिया हमने बनाई है उसको हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। अब इसको हम प्लेट से कवर कर लेंगे। 20 मिनट के बाद हमारी गुजिया खाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।